ग्यारह जबरदस्त ग्यारह जैसे तू करेगा ना वैसे मैं पहले बहुत अच्छा खाना मैं बोलती बंद करने वाले हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी सिस्टर की शादी थी और आज हम सिस्टर के यहाँ के मतलब मेरी सिस्टर के ससुराल में, और मेरे साथ है मेरे भाई नीरज हो गया, पवन हो गया और मेरे दादा किशन दादा, और हम ब्योली के साथ आ रखे हैं। जो ब्योली होती है किशन दादा और मैं, तो जो ब्योली होती है मतलब दुल्हन, उसके साथ आते हैं। और उसके साथ ही जो दो बंदे हैं ये पीछे मेरे भाई, ये होते हैं कि मतलब पहाड़ी रीति रिवाज में ऐसा होता है कि दो लोग पीछे से मतलब बुलाने वाले होते हैं, मतलब दुल्हन को, जो मतलब अपनी दीदी को बुलाने वाले होते हैं। तो ये दोस्त उनके साथ आ रखे हैं और हम अभी हैं गर्तिर गांव में, जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और पहले मैं आपको बाहर का मौसम दिखाता हूँ। यहाँ पे भी ये जिम करते हैं, तो तन्ने बनाना भी है। ये हाँ, ये कब बनाने हैं? कब बनाए यार? कस्टमर इसे मत बोलना, वो बुलाओ बुलाने को मैं किचन में, तो फिर सीधे से आ जाएँ ना बोलने, तो ये इसको बात क्या नहीं, सीधे हाथ से यहाँ पक्का मैं इन्हें ना करो, ये ना करो ना, क्या वो बना रहे हैं? बना बना हमारे तो बनाओ, यहाँ पत्ते पे अर्जुन कबीर है। यहाँ पे भी इनकी दोनों भाइयों की मतलब, अब यहाँ पे दोनों भाई पंजे लड़ा रहे हैं। अबे भाई सीधे जैसे तू करेगा ना वैसे मैं भी, पहले तो रख ले अपनी जगह, रख ले ठीक है, चल रख ली। हां सुन ना निशान है, यो झटका दे जाओ यार, ऐसा आ जा फिर आ जा, इससे जीत जाएगा। ये देखो यहाँ, यहाँ क्या बोलते हैं, पूर्ण पे चार के यहाँ क्या बोलते हैं, अरे यार ये तो घोर बेइज्जती होगी यार। नीरज नीरज आप ये ब्लॉग में जाते हो क्यों, ब्लॉग में बेइज्जती हो जाएगी तो। अब नीरज आज हमें गर्तिर का गांव दिखाएगा, चल नीरज जी क्योंकि इसको यहाँ के बारे में ज़्यादा पता है, हम जा रहे घूमने के लिए। दोस्तों ये है हमारे गिरतिर का गांव और हम अभी हम आ रखे हैं रोड पे घूमने के लिए। तो ये रहा गिरतिर का पूरा गांव और देखिए, और जहाँ पे बारात हो रखी है मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ भी थी बारात। ये रहा बरादर, हमें थोड़ी चांद सी दिख रही है और काफ़ी प्यारा गांव है गिरतिर का। इस गांव में हमारे गांव से बहुत से मतलब जो हमारे बहनें हैं शादी हो गई, यहाँ भी आ रखे हैं बहुत से जो कि इस साइड रहते हैं, जिनका ससुराल इधर है मतलब, और हमारे गांव में मायका। देखिए दोस्तों ये रहा गिरतिर का सुनसान एरिया, कितना मस्त लग रहा है जंगल। यहाँ पे फोटो शूट के लिए काफ़ी मस्त जगह है, अभी खींचना रुक जा पहले मेरी फोटो खींचेंगे ना। और यहाँ पर सारे बांस के पेड़ हैं, ये देखो दोस्तों कितना मस्त लग रहा है, इतना प्राय हो गया नीचे से लेकर ऊपर आपको जितने भी दिख रहे सारे बांस के पेड़ हैं। नीरज है ना? हाँ यार, बाप रे खतरनाक खतरनाक हुआ पूरा जंगल। भालू और घुराड़, अच्छा बाप रे बाग तो भैया, हाँ खतरनाक ही जंगल है भयंकर मस्त एकदम, बाप रे यहाँ पर फोटो फोटो शूट लाइक मस्त है रुका है। ये देखो दोस्तों ये देखिए रोड के बीचों बीच, मतलब यहाँ का मौसम देखिए दोस्तों कितनी मस्त लग रही है रोड, आगे पीछे पूरे बांस के पेड़ देवदार के पेड़, और ये माने के लिए ना जा गए दीपल। ये मारने के लिए आ रहे, देखिए ये भी है कहते मारा लगा गया। तो अभी हम घूमते घूमते काफ़ी आगे आ गए हम यहाँ जंगल पे, और यहाँ पे सारे बांस के पेड़ हैं और काफ़ी मस्त मौसम हो रहा है यहाँ पे देखिए, और पूरा आपको मैं यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, और यहाँ पे ज़्यादातर बांस के पेड़ हैं, काफल के पेड़ हो गया और देवदार के पेड़ यहाँ पे, और गाड़ी आ रही है
काफी मस्त मौसम हो रहा है एकदम। तो गाइस हम घूमते घूमते काफी आगे पहुंच गए और यहाँ पर हमें एक फील्ड दिख रहा है और नीरज को यहाँ के बारे में पता हो गया क्रिकेट होता है, हाँ वॉलीबॉल भी होता है और एक गिरते के जहाँ पे हम पहुंचे यहाँ पे अभी फील्ड है यहाँ पे और यहाँ पे वॉलीबॉल क्रिकेट उर्केट खेलते रहते हैं बस। मेरे ख्याल से यहाँ टूर्नामेंट भी होते होंगे है ना, अब इतना आइडिया मुझे भी नहीं है लेकिन यहाँ पे काफ़ी बड़ा फील्ड लग रहा है यहाँ पे, अभी वहीं जा रहे हैं हम। तो दोस्तों ये देखिए हम पहुँच गए फील्ड में और काफ़ी बड़ा फील्ड है यहाँ पे, इन्होंने वॉलीबॉल के लिए यहाँ पे खंभे भी गाड़ रखे हैं और यहाँ पे जिम विम करने के लिए क्या बोलते हैं चिनअप्स लेने के लिए पोल भी गाड़ रखे हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छा मतलब फील आ रहा है यहाँ पे। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ का पूरा गाँव दिखाता हूँ, यहाँ से पूरा गाँव तो नहीं दिख रहा है, ढक गया हुआ है वहाँ से, लेकिन जो भी है एक यहाँ पे दुकान है यहाँ पे मकान और ये है गर्तिर गांव, गर्तिर बोलते हैं यहाँ का नाम देखिए। और इस साइड पता नहीं कौन सा गांव में भूल गया, यहाँ मैं बहुत पहले एक बारात में गया था मैं इसके नीचे और काफ़ी बड़ा फील्ड है। मैं यहाँ करीब मतलब 8-10 साल पहले आया हूँ, मैं जब मैं छोटा था यहाँ उस टाइम में गाँव में ही था तो मैं यहाँ बारात में आ रखा हूँ और उसके बाद तो फिर मैं कहाँ 8-10 साल से तो मैं अपने गाँव में कभी बारात भी नहीं आया, आज पहली बार मतलब बहुत टाइम के बाद मैं गाँव में शादी देख रहा हूँ मैं अपनी खुद की बहन की और काफ़ी मज़ा आ रहा है। इसके बीच नीरज यहाँ पे हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था करते हैं देखिए, हाँ ये लेकिन पैसे मैंने दे रखे हैं, मत सुनो वो खुद के पैसों से लेके आ रखा है दो बात सच सच ना सच में कड़वा लगता ना अरे हाँ मेरा रेपुटेशन तो ठीक कर दे यार, ये तो वीडियो में मेरा रेपुटेशन ठीक कर दे तो नौकर बना दिया और वीडियो में तू भाई है भाई ये हमारा भाई है छोटा भाई तू हमारे लिए कुछ भी कर सकता है ऐसे है ना। दोस्तों अभी हम यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है यहाँ पे चिनअप्स के, जो जितने ज्यादा मार पाएगा इसमें भाग लेगा एक नीरज तो ना तुले कर ले और पवन करेगा और मैं करूँगा दद्दा अंपायर रहेगा मतलब ठीक है क्योंकि दद्दा का वेट ज्यादा है दद्दा नहीं कर पाएगा और नहीं नहीं कल नहीं मतलब एक दो तो हो जाएगा ठीक है ठीक है, दद्दा भी करेगा और पवन करेगा नीरज और मैं सारे लोग करेंगे ठीक है। तो देखते हैं कौन जीता सबसे ज्यादा, वैसे तो मैं जीतूंगा फिर भी 1% चांस है कि भाई पवन जीत सकता है 1% बहुत है वो 1% बाकी 99% फेल हो जाएगा भाई तेरे में पूरा भरोसा है तो 90% तो फेल हो जाएगा, तू 5 से ज्यादा नहीं लगा पाएगा चल पूरा खम खाने वाला मैं और पहले में यही जाएगा चल अब चल चल दादा लेवर वाली नीरज काम कर करके मतलब लेवर वाली फीलिंग आगे बोल रहा है के आप पहले इसको करने दो पहले पहले स्टार्ट कर रहा है नीरज पहुंच जाएगा हाँ पहुंच जाएगा ये तो ऐसी लंबा है यार चल तेरी मर्जी जा जहाँ कंफर्टेबल फैस हो थोड़ा चाड़ कर ले ऐसे पकड़ ले कर वन मोर टाइम नीरज मैंने बोला था 99% मतलब मांगे तो चल चल कूद मारना ते तो वैसे ही पहुंच जाए हां ऐसे मारना हां दूसरा भी हां अब कर न्यू 12 सेकंड से तो नीरज फेल हो गया पहले राउंड में और अब पहुंच जा मैं वीडियो बोने हाँ अब पवन करेगा तो अब पवन जा रहा है, पवन तो वैसे भी जिम वाला बंदा है कर लेगा मुझे पता है 10 तक तो चल पवन को देखो वो देख एक पवन भी ज्यादा कर देखिए दो 3-4 अरे ये तो बहुत कर गया इसने नीरज तो फेल हो गया 5-7-8-9-10 ओ भयंकर 10 कर दिए इसने अब तो मुश्किल है ना 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 11 रुक जा चुप कितने हो गए 12 हो गए अच्छा चल दादा अब दादा अब मैं जाता हूँ फिर मेरे को नहीं लग रहा कि मैं 10 मार पाऊंगा क्योंकि मैं तो भाई अब पवन ने 10 से 11 मार दे पूरे मतलब
मेरे को नहीं लगता कि मैं यार मार पाऊंगा। 12वें पे फेल हूं मैं, 12वें में आधा गया है, फिर भी ट्राई मारता हूं मैं। 99% मेरे को खुद पे भरोसा है, आप 1% आप नहीं कर सकता, आप क्योंकि आप छोड़ दिया मैंने एक्सरसाइज करना। करे एक दो मेरी फॉर्म बैठ गई थी। चलो चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कले कौन? 10 11 भाई भाई। तो पौन विनर बन गया, पौन को एनर्जी ड्रिंक पिलाया जाए। अरे है पहले से थक गया बिल्कुल। यहाँ पे एक ऐसा पहाड़ देखने को मिल गया हमें, जहाँ पे मतलब जिसके ऊपर से कोई नदी बह रही है, ये देखिए दोस्तों। मगर ये पत्थर ही लग रहा है मुझे पूरा, मतलब ऊपर से नीचे तक पता नहीं क्या है, या मिट्टी निकल रही है। अगर कोई गर्ती सेट का है तो बताओ, किसी को पता होगा प्लीज कमेंट कमेंट। आखिर है क्या है? हाँ। यहाँ पे नजदीक आ रहा है, काफी अच्छे अच्छे पहाड़ है भी, यहाँ बादल लगा नहीं तो यहाँ पे काफी अच्छा हिमालय दिखता है यहाँ से। और हिमालय के मतलब एक हिमालय नहीं, 3-4 लेयर दिखते हैं, हिमालय 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 ऐसे करके मतलब पर्वत है। हाँ आपको मैं दिखाता हूँ, गिनाता हूँ आपको। ये देखो एक पहाड़, उसके बाद पीछे फिर पीछे पीछे, मतलब बहुत पहाड़ दिख रहे हैं इधर को। ये देखिए अगर यहाँ पर अगर बादल नहीं लगा रहता तो यहाँ पे काफ़ी आपको हिमालय दिखता है एकदम नज़दीक। और यहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं निकल आती हैं हिमालय से, और इसका पता नहीं चल रहा है आखिर क्या है ये। यहाँ से कोई मिट्टी नीचे आ रही है या कोई पत्थर है, मुझे लगता है पत्थर ही होगा मेरे ख्याल से। और हम इतनी दूर से आ रखे थे, वहीं जाना है वापस फिर। और दोस्तों हम घूम घाम के अब वापस जा रहे हैं, करीब 11 बज गया है, और मेरी जो बड़ी दीदी है वो भी उधर ही है, वो अकेले वहाँ बोर हो रही होगी। मतलब एक तो अभी नई नई जगह रखी है, मतलब ना नया ससुराल पहला दिन है, और वो हमें ढूंढ रही होगी उधर, और हम इधर घूमने के लिए आ रखे हैं। तो अब हम वापस जा रहे हैं, वो भी वहाँ उदास हो रखी होगी, तो हम फटाफट अब वापस जा रहे हैं फिर। यहाँ से रास्ता तो अभी हम दिन के टाइम अपने वापस घर जा रहे हैं अब। दोस्तों अभी हम यहाँ पे रुके हैं आगे वापस बांस पठान में, और नीरज यहाँ से खीरा लेके आ रहा है। नीरज की लड़ा है फिलहाल, खीरा ही ले रहे हैं अभी बांस पठान। और हमारा गांव अभी यहाँ से उधर को जाना पड़ेगा हमें, उस वाली रोड में। गर्तिर से मतलब अपनी दीदी के ससुराल से हम यहाँ पहुँच गए हैं, और हम आगे आगे जा रहे हैं। वो लोग पीछे से आ रहे हैं, क्योंकि जो लोग बुलाने वाले होते हैं वो पीछे से आते हैं, और जो लोग पूजा के लिए जाते हैं वो जल्दी चले जाते हैं तभी। और पहुँचने वाले हम घर, पहुँच गया